सब्सक्राइब करें पंकज दवानिया चैनल को, इस लाल बटन को दबा के उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये जनरेटर है 3 किलोवाट का और इसमें करंट नहीं बना रहा, तो हम चेक करेंगे। ये इनके पास मीटर नहीं है, तो इसमें हम ड्रिल मशीन चला के देखेंगे और चीज़ चला के देखेंगे किस किस में कितना लोड में करंट आ रहा है, इसमें कितने में नहीं आ रहा। ये देखें, इसमें ये इसके डायोड चेक करने हैं। पहले डायोड, कई बार डायोड उड़ जाते हैं उसकी वजह से करंट नहीं बनाता, और डायोड सही है तो हमें फील्ड चेक करनी है। मोटी बारीक आपस में शॉर्ट तो नहीं है, और जो हमारी बारीक है वो बोल रही है नहीं बोल रही। कई बार मीटर से बोल वैसे नहीं बोलती, तो उसको हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, हम ग्राइंडर चला रहे हैं। ये ग्राइंडर देखिए, ग्राइंडर का तार लगा हुआ है और ग्राइंडर नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर का तार लगा हुआ है और ग्राइंडर नहीं चल रहा। कई बार होता है कि जनरेटर में लोड वाली चीज़ नहीं चलती, और जिसमें कम लोड होता है जैसे बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, ये जल जाती है। पर हमारा जैसे कि कोई लोड वाली आइटम है, परेस हो गई या कोई पंखा हो गया, वो नहीं चल रहा, पर एलईडी और बल्ब जल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे ऊपर वाले डायोड उड़ जाते हैं और नीचे वाले डायोड काम करते रहते हैं, तो हमारा कम करंट बनाएगा पर लोड पर हमारा चलेगा। पर जब हमारे ऊपर वाले डायोड उड़ते हैं तो हमारा सॉरी जब नीचे वाले उड़ते हैं तो लोड पे नहीं चलता और हल्का करंट बनाता है। तो ठीक है, देखें इसमें टॉर्च से जल रही है हमारी। देखिए टॉर्च का बल्ब भी दिखाई दे रहा है, ये टॉर्च जल रही है, पर ये हमारी ड्रिल मशीन नहीं चल रही। तो इसमें हमारा समझ में आ गया कि ये टॉर्च काफ़ी हल्की है, तो इसका बल्ब तो जल रहा है, तो इसका आर्मेचर तो करंट दे रहा है, पर इसमें आगे डायोड की तरफ से करंट नहीं आ रहा है, फील्ड की तरफ से करंट नहीं आ रहा है। तो हम इसको ऊपर से डायोड चेक करेंगे और उसके फील्ड चेक करके इसमें नए डायोड बदलेंगे। डायोड ख़राब है तो या फील्ड ख़राब है तो फील्ड करेंगे। ठीक है जी, आप भी यही चेक करके करंट चेक कर सकते हो कि ऊपर वाला डायोड ख़राब है या फील्ड ख़राब। ठीक है, वीडियो देखने धन्यवाद।